मैं पावर इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं आया सियासत, मैं आवाम के बीच रहकर जो है ना खिदमत को अंजाम देने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये फुलफिल करेंगे। हीरापुर आज है, इंशाल्लाह कल हम सिंगापुर बनेंगे। 50% का डिस्काउंट है वार्ड नंबर 42 हीरापुर के लिए, स्पेशल 42 हीरापुर के लिए है। यही सोच के निकले हैं कि वोटर्स हमारे हक में जो है ना फैसला देंगे, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, ये हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। 8.5 साल में मैं तकरीबन जो है ना 34 करोड़ का काम किया हूँ वार्ड नंबर 20 में। मैं हीरापुर में अपनी पहचान अपनी छवि छोड़ चुका हूँ और मेरे वालिद साहब का पहले से जो है ना वहाँ पे एहतराम करते हैं वहाँ की अवाम, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। JDS की जब मेयर और डिप्टी मेयर बनी है तो हम एक जनता दरबार खोलेंगे नासिर हुसैन उस्ताद साहब के ख्यादत। जिस तरह से आप वार्ड नंबर 20 ओल्ड वार्ड नंबर 20 से आप कॉरपोरेटर रह चुके हैं, कई आप वहाँ पर काम करने का दावा कर रहे हैं, फिर वार्ड नंबर न्यू 42 से आप कंटेस्ट भी कर रहे हैं इस बार इलेक्शन में, क्या आपने पिछले वार्ड में काम किया है और क्या ख्वाहिश रखते हैं इस बार इलेक्शन में? ख्वाहिश तो है हमारी, मैं जब वोट डालने का हक नहीं रखता था उस वक्त से कांग्रेस पार्टी में है, मैं कार्यकर्ता के तौर पर आज तक भी काम किया हूँ। ख्वाहिश हमारी ये है कि खिदमत की जो है ना भरपूर हमारे पास जस्तुजु है आवाम के बीच रहकर करने की, तो एक बैनर तले रहना बोलकर सोच थी हमारी और वही सोच आज लेकर चल रहे हैं। तो छोटे एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आज तक काम किया हूँ। पार्टी 2013 में जो है ना टिकट मुझे ना मिलने पर मैं आज़ाद से जीत कर पब्लिक की मेहनत है, वो पब्लिक जो वार्ड नंबर 20 में उनको जिता कर ले आवाम, और अल्लाह का फजल रहा जो पब्लिक के दिलों को फेरा है अल्लाह ताला। मैं अल्लाह का शुक्र गुजार लाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सही फैसला उस वक्त हमारे हक में दिया था, तो आवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वार्ड नंबर 20 की जो मुझे एक मौका दिए, और इसमें भी जो है ना 5 साल के बजाय मेरे को 8.5 साल तक का मौका मिला। 8.5 साल में मैं तकरीबन जो है ना 34 करोड़ का काम किया हूँ वार्ड नंबर 20 में, जो 2013 का वार्ड नंबर 20 है, जैसे ये इकबाल कॉलोनी है, हुसैन गार्डन है, मदीना कॉलोनी थोड़ा हिस्सा आता है जिसमें मिज़बा नगर और पटेल कॉलोनी और जिद्दा कॉलोनी, अजमेरी कॉलोनी, पहलवान कॉलोनी, करीम नगर कॉलोनी, नरसिम नगर कॉलोनी, ये तमाम चीज़ें मिलाकर शाहजिलानी लेआउट, ईदगाह लेआउट में 34 करोड़ का काम किया। तो अब जो है ना इलेक्शन चालू हुआ है 2021 का, यहाँ पर जो है ना कैटेगरीज और डिलिमिटेशंस में हमारा वार्ड लेडीज़ हो गया और हमारे वार्ड को 3 जो है ना हिस्सों में बंट दिया गया, जिसमें एक हिस्सा जो है ना पहले का जो 21 था जो 27 हो चुका है, 27 में जो है ना तकरीबन 2,000-1,800 वोट चले गए और तकरीबन 1,300 वोट जो है ना हीरापुर के इसमें चले गए। जहाँ पर 27 में गए हैं वो सामान्य हुआ है, जनरल हुआ है, वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और यहाँ पर जो है ना हीरापुर में BCA कैटेगरी होने की वजह से मैं पार्टी की इजाज़त लेकर वहाँ पर पहुँचा था। पार्टी मुझे उस वक्त परमिशन दी, उस वक्त जो है ना कैटेगरी आया था BCA का, तो वहाँ पर परमिशन लिया हूँ, मैं इजाज़त लिया हूँ पार्टी का, पार्टी भी जो है ना मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला, बोले थे कई एक सीनियर दिग्गज लीडर्स जिसमें साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के डिप्यूटी MLA XMLC अलमरू पाटिल जी भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे हम भी आपके लिए। तो मैं अपनी जो है ना जो भी काम करना था वहाँ पर, मैं हीरापुर में अपनी पहचान अपनी छवि छोड़ चुका हूँ और मेरे वालिद साहब का पहले से जो है ना वहाँ पे एहतराम करते हैं वहाँ की अवाम, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे वो कौन से भी मज़हब के हो, लेकिन तमाम लोग मेरे वालिद मोहतरम का एहतराम करते हैं। क्यों करते हैं ये इसके एक वजह है, मेरे वालिद साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और मेरे वालिद साहब जो है ना MSC मिल के मजदूर थे, सन 84 में जो है ना उन्होंने MSC मिल छोड़ा है, तो उस वक्त जो है ना हीरापुर के कई एक वर्कर्स उनके साथियाँ थे, आज तक भी जो है ना उनसे मिलजुल कर रहन सहन उनके साथ अच्छा रखते हैं वाली साहब मेरे, और मेरी भी काफ़ी पहचान थी वाली साहब के चेहरे से लेकर, तो मैं भी जो है ना वहाँ पर एक जाने की सोच रखकर अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी को जो है ना मैं आश्वासन दिया कि वहाँ पर मैं जीत कर ला सकता हूँ अपनी पार्टी को, तो उन्होंने परमिशन देने के बाद मैं अपने काम को अंजाम दिया। आइन वक्त पर मेरी जो है ना टिकट फाइनल होकर कट हो गई, फाइनल अगर नहीं होती वो बात अलग थी, लेकिन फाइनल होकर कट हो गई, इसकी वजह मुझे मालूम नहीं। तरह से आप बोल रहे हैं तमाम लोगों ने आपको आश्वासन भी दिया था वहाँ से, आपको टिकट भरोसा भी दिया था, मुझे भरोसा भी दिया था, तो इस ताल्लुक से हमने MLA मैडम से एक इंटरव्यू फोन कॉल पे लिया था, वहाँ पर उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना है कि तमाम लोग पावर इंजॉय कर चुके हैं इसलिए नए चेहरों को हम वहाँ पे टिकट दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं पावर इंजीनियर करने के लिए नहीं आया सियासत में, मैं आवाम के बीच रहकर जो है ना खिदमत को अंजाम देने के लिए आया हूँ। अब सोशल एक्टिविटीज में थोड़े बहुत काम होते हैं, लेकिन अगर खिदमत करना है तो पावर में रहकर करना, ताकि लोगों को जो है ना फिलफिल उसकी सहूलत देना चाहिए। तो सहूलत फराहम करने के लिए मैं अपना एक इंडिविजुअल वक्त गुजार चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी का 70% वक्त गुजार चुका हूँ मैं सियासत के अंदर। हाँ, आज मेरी 41 साल 41 साल उम्र है, अभी बहुत से बहुत जो है ना 20 साल जी सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि पावर इंजॉय करने नहीं आया हूँ। जब से आपको शोहर आया कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ के आप काम करते आए हैं, लेकिन आप जब ख्वाहिश करें आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने की, उस वक्त भी आपको टिकट नहीं दी गई, फिर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, उसके बाद फिर आप जो है ना कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करें कि इस बार आपको टिकट दी जाएगी, इस बार भी आपको धोखा मिला है, दो बार आपको कांग्रेस पार्टी से धोखा मिला, क्यों, वजह क्या है इसकी, क्या नाराजगी है आपसे कांग्रेस पार्टी? अब कांग्रेस पार्टी में हमेशा जो है ना वर्कर्स को नाराज किया गया है, जो वर्कर्स होते हैं जो अपने दिल पे और अपनी जिस्तोजी से काम कर कर दिखाते हैं। देखिए, इलेक्शन जीतने के बाद दो बार खड़गे साहब का काम किए हैं दिल पे रहने के, और दो बार जो है ना एमएलए इलेक्शन असम्बली कमर इस्लाम मरहूम का भी काम किए हैं, और गणेश फातिमा मैडम का भी काम किया है, और उसके बाद अल्लाह प्रभु साहब का भी काम किया है। तो काफ़ी जिस्तोजी रही पार्टी के अंदर, और मैं नहीं बल्कि हमारा पूरा ग्रुप क्यूपी ग्रुप, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे वार्ड के लोग काफ़ी जो है ना जिस्तोजू किए हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी आज नज़रअंदाज की है क्यूपी को, तो उनका अपना अख्तियार था, कर दिए हैं, अब अल्लाह का फैसला अभी बाकी है। मैं पिछले 25 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिसमें एक बार टिकट तो नहीं मिली, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अब जो है ना मैं कैपेबल कैंडिडेट था, और हाईकमांड भी जो है ना मुझे सेलेक्ट किए थे, उसके बाद भी मुझे फाइनल करके कट किया गया। अब शायद अब मैडम जैसा बोले हैं कि पावर इंजॉय करने के लिए नए चेहरा को लाए, तो पावर इंजॉय करने के लिए तो हम नहीं करें, अब पावर जो इंजॉय कर रहे हैं उनको सीट दिए हैं। अब जैसे कि हमारे जनता दल सेकुलर के नासिर हुसैन उस्ताद साहब, पावर इंजॉय पे नहीं बात की है, उन्होंने कौम की खिदमत जो कर सकता है, पब्लिक तक जो सहूलत पहुँचा सकता है, उनको टिकट दिए हैं। जैसे कि हमारे अशफाक चुलबुल हैं, चुलबुल साहब एक्स में, उनको दिए हैं। मज़ार एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, बेहतरीन एक सोशल एक्टिविटीज़ में उन्होंने हमेशा से जो है ना अपनी खिदमत अंजाम दी है। और हमारे एक्स कारपोरेटर चेयरमैन काजिम बेग साहब, ये तमाम जो है ना एक अपनी छवि छोड़ चुके हैं गुलबर्गे के अंदर अपनी खिदमत के। तो उसी तरह जो है ना नासिर उस्ताद जो है ना अपने ख्याल और अपनी सोच को जो है ना पब्लिक के सामने रखे हैं। इनके जो वर्कर्स जो हैं, जिसमें मैं भी एक आता हूँ, ये वर्कर्स को जो है ना अपनी सोच जो है ना बना कर छोड़े हैं। और नासिर उस्ताद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे एक आधे घंटे के अंदर जो है ना बीफॉर्म दिए हैं। वोटर्स हीरापुर के लिए आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? हीरापुर की आवाम वो पिछले कई सालों से एक उम्मीद लगाए बैठी है कि हमें बेहतर कोई कॉरपोरेटर मिले जो हमारे वहाँ के इलाके को जो है डेवलप कर सके। आज भी वो अपने आप को एक विलेज में ऐसे महसूस करते हैं, गुलबर्गा सिटी में वो अपने आप को गिन नहीं पाते क्योंकि अभी तक उनको वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं मिला है। तो आपसे वो लोग क्या उम्मीद रखें? ठीक इसी तरह जो है ना 2011 और 12 में जब हमारी सोशल एक्टिविटीज़ एकदम 100% थी वार्ड नंबर 20 के तले है, तो इसी तरह सवाल आते थे कि डेवलपमेंट्स नहीं हुए। तो डेवलपमेंट्स हम कर दिखाए हैं 34 करोड़ का वार्ड नंबर 20 में। इसी तरह सवाल आ रहे हैं जहाँ पर हीरापुर है, जहाँ पर हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये फुलफिल करेंगे। हीरापुर आज है, इंशाल्लाह कल हम सिंगापुर बनाएंगे। वोटर से मेरी अपील है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रहे, अब हम जो है ना यही सोच के निकले हैं कि वोटर्स हमारे हक में जो है ना फैसला देंगे, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, ये हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। मेरे छोटे भाई जो लास्ट हैं डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल, उन्होंने जो है ना अपने हॉस्पिटल को जो है ना COVID-19 के तले सारे शहर में नहीं बल्कि डिवीज़न कलबुर्गी में काफ़ी अपनी छवि छोड़ी है खिदमत की अपनी टीम को लेकर। ये सारा शहर जानता है, डिवीज़न जानता है, और पूरे दिग्गज लीडर्स, चाहे वो BJP का क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना हो, चाहे वो JDS की क्यों ना हो, चाहे वो MIM की क्यों ना हो, तमाम लीडर्स हम मेरे भाई से जो है ना कॉन्टेक्ट कर रहे थे। उस वक्त मेरे भाई को बार बार बोल रहे थे ये मेरा पेशेंट है, ये मेरा पेशेंट है। तो उस वक्त जो है ना QP हॉस्पिटल अपनी छवि छोड़ चुका है, और ये QP हॉस्पिटल जो है ना मेरे और 3 भाई हैं जो इंजीनियर है, ये तमाम जो है ना ये टीम जो है ना आज हीरापुर में पहुँच चुकी है, और हीरापुर के लिए स्पेशल जो है ना ये कार्ड बनाए हैं। मेरे खयूम पटेल जो मेरे वालिद साहब हैं, वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने जो है ना कहा है कि अवाम को वहाँ क्या सहूलत दे सकते हैं, हमसे कहा डॉक्टर मुजीब ने अपने माइंड से अपने दिमाग से ये स्कीम निकाली है, जिस तरह से आप देख सकते हैं डिस्काउंट बोल के यहाँ पर लिखे हुआ है, 50% का डिस्काउंट है
वार्ड नंबर 42 हीरापुर के लिए, स्पेशल 42 हीरापुर के लिए है। 5 ईयर्स का जो है ना ये कार्ड रखा गया है। जब कोई भी जिसको भी जरूरत है, जिसको भी जरूरत है, किसी एक्सीडेंट भी अगर हुआ है तो यहाँ पर जो है ना तमाम चीज़ें हमारे पास सहूलत है। आज ऑलरेडी जो है ना 3 से 4 पेशेंट जो है ना आए हैं, उनको 50% चार्जेस पे जो है ना उनका पेशेंट खिदमत अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर मुजीबुद्दीन एंड टीम। और तमाम शहर के आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि 55 वार्ड में आप वोट डालने के बाद JDS की जब मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे तो हम एक जनता दरबार खोलेंगे नासिर हुसैन उस्ताद साहब के क़यादत में, जहाँ पर तमाम शहर के आवाम चाहे वो किसी भी जो है ना ताल्लुकात रखें, आप आकर हमारे से काम ले सकते हैं जनता परिवार से। तो हम ये जो है ना मैनिफेस्टो दिए हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हीरापुर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश किए हैं। और जब मैं वार्ड नंबर 20 का कॉर्पोरेटर था, मैं हीरापुर में ऑलरेडी 1.5 करोड़ का काम कर चुका हूँ। मदन पंडे BJP से थे, उनको भी पूछ सकते हैं, मदन पंडे साहब को 1.5 करोड़ का काम किया हूँ मैं ऑलरेडी। और वार्ड नंबर 21 जो मेरा नहीं था जब उस वक्त शेख बाबा थे, वहाँ पर भी जो है ना 50 लाख का काम कर चुका हूँ। और वार्ड नंबर 22 शंकर सिंह साहब थे, वहाँ पर मैं 1.5 करोड़ का काम कर चुका हूँ। मैं जब सोशल एक्टिविटीज़ था तो वार्ड में काम करता था, जब मुझे अवाम चुना कर ली, कारपोरेटर बनाई अल्लाह के फजल से, तो मैं जो है ना आजू बाजू के भी जो है ना वार्डों को जो है ना डेवलप किया हूँ। ये तारीख गवाह है और मैं इसका जो है ना आपको प्रूफ बता सकता हूँ। मैं तमाम शहर के अवाम से गुजारिश और अपील करता हूँ कि इस बार JDS को वोट दें, क्योंकि JDS का इस बार मेयर डिप्टी मेयर पूरे चारों चेयरमैन बनने वाले हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ना बनकर उभरने वाली है JDS पार्टी, नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत में। और मेरी तमाम वार्ड के 55 वार्ड के तमाम अवाम से पुरजोर अपील है कि गुजारिश है, मनवी पत्र है मेरा कि तमाम लोग जो है ना अपना कीमती वोट JDS के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें।